तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस चीज़ को देखने जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं दीदी का जस्ट सारा काम कर चुका हूँ, मतलब दीदी के सारे काम में हाथ बटा चुका हूँ। और अभी देखो सुबह का नज़ारा, एक उस्ताद है, मुर्गियाँ भी चल रही हैं। तो गाइस सर घर का सारा काम हो चुका है, तो अभी मैं जाऊंगा ब्रश करने। तो चलो चलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस चीज को देखने जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, मतलब समझो वो छत्तीसगढ़ का जान है। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस वो है ये धान, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चलो गाइस चलते हैं ब्रश करने। अभी मैं खेत की ओर आया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ बोर की तरफ, वहीं पर मैंने अपने ब्रश को रख दिया है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं ब्रश करके घर आ चुका हूँ। तो गाइस यार देखते हैं दीदी क्या कर रही है। तो गाइस यार दीदी अभी रोटी बनाने की तैयारी में लगी हुई है। तो चलो गाइस चलते हैं खेत की ओर और देख कर आते हैं खेत कैसा है। अभी रोटी भी नहीं पका है, तो तब तक हम लोग आ जाएंगे खेत से घूम कर। चलो चलते हैं। A few moments later. तो ये देखो गाइस अभी छत्तीसगढ़ में धान बुआई शुरू हो चुका है, अब दिखेगा छत्तीसगढ़ पूरा हरियाली हरियाली। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ खेत की ओर, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना खेत। तो गाइस ये है अपना खेत। इस बार गाइस हम सोच रहे हैं कि रोपा लगाएंगे, क्योंकि रोपा लगाने से बहुत अच्छा धान होता है, तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार रोपा लगाएंगे। तो गाइस सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हमारे खेत के पास जो नाली है, मतलब नाला है, उसमें पानी आ चुका है। चलो देखने चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नाला की ओर, चलो देखते हैं हमारे नाला में कितना पानी आया है। यार गाइस इतना पानी। तो गाइस आप लोगों को पता है इतने पानी को हमारे छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप किसी छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग से पूछोगे कि ये कितना पानी है, मतलब ये कितना गहरा है, यहाँ पर कितना गहरा है, तो बोलेगा बेंचा के मुड़ी भर। क्या बोला तूने? तो गाइस अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, तो अपना रोटी जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, तो चलो खाते हैं। गाइस रोटी खाने से पहले आम मिल गया, तो चलो आम को खाते हैं। आम खाने के बाद मिल जाता है हमें रोटी। खाना पीना हो चुका है, तो चलो अब करते हैं काम। तो आप लोग देख सकते हो ये जो लकड़ी है, इसे हम लोग घर के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है घर टूटने के कारण पानी रिस रहा है, तो ये लकड़ी जो है पूरा गीला हो जाएगा, तो बरसात के दिनों में हम किसमें खाना पकाएंगे, इसलिए हम इसको अभी घर के अंदर लेकर जाएंगे। A few moments later. ये देखो गाइस लकड़ी को हमने यहाँ पर रख दिया है। आई होप गाइस ये हम व्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक लिए बाय।